हेलो स्टूडेंट इन क्लास नाइन्थ टुडे सी द एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 रेकरिंग। हियर क्लियरली गिवन दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस 6 नंबर पे रेकरिंग है। इसका मतलब यह है कि यही नंबर रिपीट होगा टाइम टू टाइम, सो वी कैन राइट हियर अगेन एज 0.142857 1, 4, 2, 8, 5, 7 रिपीटेबली। हियर टू द विद द हेल्प ऑफ इट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एक्सेट्रा। हियर वी कैन सी दैट टू गेट द वैल्यू ऑफ 2/7 If we divide 2/7, at first we can see, यानी अगर जो है 2 में 7 से हम अगर divide करते हैं तो at first 7 2 14 यानी 0.2 से start होता है, 0.2 से start होता है, तो इसमें से हम जो है यहां 0.2 लिख दिए। अब 2 से start होता है तो 2, 8, 5, 7 लिख लिए और फिर नेक्स्ट टू नंबर 1, 4, ... यानी आर यू कैन राइट हियर 0.2857 1, 4 रेकरिंग। सिमिलरली 3/7 का वैल्यू फाइंड करना है तो 0. यहां अगर पॉइंट लेते हैं तो 30 यानी 7 से 30 में 4 जार डिवाइड होता है, तो सबसे पहले हम यहां 0.4 से स्टार्ट करेंगे और इसमें से यानी 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4, 2, 8, 5, 7 फिर 1 उसी नंबर में से लिखना है। सिमिलरली यदि 4/7 का वैल्यू फाइंड करना है तो 4/7 का वैल्यू फाइंड करना है तो यहां अगर डिवाइड करना है तो यहां पॉइंट लेंगे तो यहां हो गया आपका 40, 0.40 यानी 40 हो जा रहा है। तो अगर 7 से 40 में डिवाइड करते हैं तो 7 5 50 यानी 5 से स्टार्ट करेंगे तो 0.5 और 5 के बाद 1 नंबर है 7 और फिर उसके पहले वाला नंबर यहां लिख देना यानी उसके बाद वाला नंबर 5, 7, 1, 4, 2, 8 यह हो गया रेकरिंग। इसी तरह से 5/7 का वैल्यू फाइंड करना है तो 5.0 यानी 50 हो गया, 50 में 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 से स्टार्ट हो रहा है सो वी विल राइट हियर 0.7। अब इसमें देखिए 7 नंबर लिख लिए, 7 के बाद 1, 4, 2, 8, 1, 4, 2, 8, 5 या 6 डिजिट में ही लिखना है या रेकरिंग हो गया। इसी तरह से 6/7 का वैल्यू फाइंड करना है तो यहां पॉइंट लेके 0 लेंगे 60, तो 7 से 60 में डिवाइड करते हैं तो 7 8 जार हो रहा है 7 8 जार 56 यानी 0.8 से स्टार्ट होगा और 8 के बाद वाला नंबर यहां 8 के बाद वाला नंबर यहां लिख लेना है 5, 7, 1, 4, 2 6 डिजिट हो जा रहा है या हो गया रेकरिंग। इस तरह से इसका वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज टू कन्वर्ट 0.6 रेकरिंग इनटू रेशनल नंबर। प्रीवियस वीडियो में भी इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए यानी रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम बताए थे। वंस सी अगेन 0.6 रेकरिंग का मतलब हुआ कि 0.6666 ऐसे लिखेंगे यानी स्टार्टिंग में हियर लेट x इक्वल टू 0.6 इट इक्वेशन नंबर 1। जैसे कि आपको बताए भी थे यहां 0.6 1 नंबर पे रेकरिंग है यानी 10 विथ 1 यानी 10 दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी दोनों साइड में अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज 10x इक्वल टू 6 आवर नेक्स्ट पॉइंट 6 इट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 यानी टू सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है। यहां 10x इक्वल टू 6.6, यहां हो गया x इक्वल टू 0.606, यहां 9x। यह ध्यान देना है कि इक्वेशन आपको ऐसे तैयार करना है कि सबट्रैक्ट करने पर यहां पॉइंट के बाद जीरो ही आए। सो नाउ वी कैन राइट 9x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6/9, सिंपलीफाई करके लिख दीजिए। नाउ 32 यार 33 जा, यानी टेरेशनल नंबर इज 2/3। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड का सेकंड, द क्वेश्चन इज 0.47। हियर द रेकरिंग इज ओनली ऑन 7, यानी सिर्फ 7 पे ही रेकरिंग है, 4 पे रेकरिंग नहीं है। तो सो हियर वी कैन राइट हियर 0.4777 एटसेट्रा। सो लेट x इक्वल टू 0.4777 एटसेट्रा। नाउ एट फर्स्ट मल्टीप्लाई विथ 10 इन बोथ साइड, यानी दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दें। सो वी विल गेट 10x इक्वल टू 4.777 एटसेट्रा। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन जो है 10 से फिर जो है दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन वी हैव टू डिवाइड बाय 10 इन बोथ साइड। सो वी विल गेट 100x इक्वल टू 47.777। इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अगेन सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। इट मीन टू सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सो हियर 100x इक्वल टू 47.777 एंड इक्वेशन फर्स्ट इज 10x इक्वल टू 4.777। सो हियर 0 0 0, हियर 43 एंड हियर 90x। सो वी कैन राइट हियर x इक्वल टू 43/90, इरेशनल नंबर। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 0.0001 रेकरिंग, यानी यहां तीनों नंबर पे रेकरिंग है। सो वी कैन राइट हियर 0.001 001 001 एटसेट्रा। हियर एट फर्स्ट वी हैव टू टेक, इट मीन लेट x इक्वल टू 0.001। यहां देखें कि डेसिमल के बाद 3 नंबर है और 3 नंबर पे रेकरिंग है, इट मीन 3 0 विथ 1, यानी 1000 दोनों साइड में 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। सो वी विल गेट हियर 1000x इक्वल टू 0.001.001। और वी कैन राइट 1000x इक्वल टू 1.001। इट इज इक्वेशन नंबर का। अब देखें फिर इसमें जो है यहां इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से माइनस कर ले, इट मीन टू सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हियर 1000x इक्वल टू 1.001 एंड हियर x इक्वल टू 0.001 0001 एंड हियर 999x आर 999x इक्वल टू 1 आर x इक्वल टू 1/999। इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व कर सकते हैं।